हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टेक फैन क्लब। दोस्तों मैं हूं कुशिक, आपके साथ एक और वीडियो में स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक फैन क्लब में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि मार्च में अभी तक किन किन डिवाइस का अपडेट मिला है और आगे जाके किन किन डिवाइस का अपडेट मिलने वाला है, वो रियलमी यूआई 3.0 हो या रियलमी यूआई 2.0 हो या एंड्रॉइड 11 हो या एंड्रॉइड 12। हर अपडेट के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि किन किन डिवाइस का अभी तक अपडेट मिल चुका है और क्या क्या अपडेट्स है वो भी आपको बताएंगे, और 3.0 अपडेट के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। वेल, आपको ऐसे वीडियो की पूरा इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक कर सकते हैं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों आप बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। वेल दोस्तों, आप बात करते हैं सबसे पहले कि अभी तक किन किन डिवाइस को अपडेट मिल चुका है। वेल, सभी अपडेट का मैनुअली लिंक भी है डाउनलोड, जो आप रियलमी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जाके अगर आपको नहीं मिला। और आप डाउनलोड मतलब मैं कहता हूँ कि ऑफिशियल जब आपके फ़ोन में आए तभी आप इस अपडेट कीजिए, मैनुअली लिंक से डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि अभी तो टेस्टिंग पीरियड में रहता है जो अपडेट अभी तक नहीं पहुँचता। टेस्टिंग पीरियड के अंदर भी आप डाउनलोड करते तो जो बग्स है वो आपके फ़ोन में दिखाई दे सकता है। सो आप ऑफिशियल अपडेट के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो अब बात करते हैं क्या क्या अपडेट है उसके बारे में। वेल, तो सबसे पहले जो अपडेट आया था रियलमी GT को मार्च 2022 में, सबसे पहले इसे अपडेट देखने को मिला था जो रियलमी UI 2.0 एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस्ड था, जिसका UI हमें देखने को मिला था C.12, मतलब RMX 22.02.11.C.12, यही अपडेट हमें देखने को मिला था रियलमी GT में। और ये अपडेट के ऊपर हमने डिफरेंस एक वीडियो बनाया, आप जाके वो चेक कर सकते हैं क्या अपडेट्स अबाउट। अब बात करते हैं रियलमी GT Neo 2 के बारे में, जो भी मार्च 2022 में अपडेट मिला है। ये भी हमें मार्च 2022 में जो अपडेट देखने को मिला है वो रियलमी UI 2.0 और एंड्रॉइड 11 के बेस करके ही मिला है। और इसके साथ जो अपडेट हमें देखने को मिलता है इसके अंदर वो है RMX 3370 11A.08, यही अपडेट हमें रियलमी GT Neo 2 में भी देखने को मिलता है। मतलब इन दोनों में किसी में भी हमें रियलमी UI 3.0 का अपडेट नहीं देखने को मिला है, मतलब स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिला। वेल, अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं रियलमी C25Y के बारे में, जो हमें मार्च 2022 में हमें अपडेट मिला है। इसके अंदर भी हमें रियलमी UI 2.0 और एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस करके अपडेट मिल चुका है। और इसके साथ जो अपडेट हमें देखने को मिल रहा है वो है RMX 3265 11A.25, यही अपडेट हमें देखने को मिलता है रियलमी C25Y में भी। और अब बात करें तो रियलमी सी सीरीज के एक और फ़ोन के बारे में जिन्हें अपडेट मिला है मार्च 2022 में, वो है रियलमी C21Y में। यही अपडेट, इन दोनों अपडेट एक ही दिन में लॉन्च हुआ था, मुझे पता है मैंने एक दिन में दो वीडियो पोस्ट किया था। और इसमें भी हमें रियलमी UI 2.0 एंड एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस करके अपडेट देखने को मिला। और जो वर्जन था इसका वो भी RMX 3261 11A.77, यही अपडेट हमें देखने को मिला है रियलमी C21Y में भी। तो यही में मतलब रियलमी ने अभी तक मार्च में कोई स्टेबल अपडेट नहीं भेजा रियलमी UI 3.0 का। मगर एयरलेक्सिस के बारे में बात करें तो उसके ऊपर भी रियलमी ने बहुत से बात इससे पहले भी किया है कि मार्च में बहुत से डिवाइस को एयरलेक्सिस देखने को मिलेगा। वेल, किन किन डिवाइस को एयरलेक्सिस देखने को मिलेगा उसके लिस्ट में आपको मैं बताता हूँ। सो दोस्तों, मार्च में हमें जिन डिवाइस में अपडेट देखने को मिल रहा है रियलमी का नया अपडेट OTA अपडेट, उनमें हमें फरवरी और जनवरी टू फरवरी, मतलब दो मंथ जनवरी और फरवरी या फरवरी, इन मंथ का फरवरी सिक्योरिटी पैच अपडेट और बहुत से बग्स जो है वो ठीक करने के, मतलब कैमरा में जो बग्स है उसका भी ठीक करने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ भी एक OTG अपडेट हमें देखने को मिल रहा है इस अपडेट के साथ, आप जाके हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं हर एक फ़ोन का जो अभी तक अपडेट मिल चुका है हमारे चैनल पर है, वो जाके चेक कर सकते हैं किन डिवाइस को क्या क्या मिला है अपडेट के साथ नए फीचर्स। वेल दोस्तों, बात करें एयरलेक्सिस के बारे में, जो रियलमी UI 3.0 का अपडेट है वो मैंने बहुत से वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, जो रियलमी का जो C25S नार्जो 50A या नार्जो 30, रियलमी 7 और रियलमी 8 में भी, मतलब रियलमी 8i, इनमें आपको एयरलेक्सिस देखने को मिलेगा जो रियलमी UI 3.0 और एंड्रॉइड 12 का है इसी मार्च मंथ के अंदर ही। शायद ये आपको आफ्टर मार्च 20 इसके बाद आपको देखने को मिले, मतलब लास्ट दो वीक्स के अंदर आपको शायद ये अपडेट्स देखने को मिले एयरलेक्सिस के। वेल, उससे पहले आपको सारे OTA अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा मार्च का जो OTA अपडेट है। वेल, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक लेटर दोस्तों।